जी मैंने रिकॉर्ड ऑन कर दिया जी। चलिए अब दोबारा गौर कीजिए कि एक स्पेसिफिक स्लाइड होती है आपकी, इसने यहाँ जो नाम दिया हुआ है पिट्रोफ हॉस काउंटिंग चैम्बर के नाम से, और जो जैसे वो ब्लड वाले होते हैं ये भी वैसे ही है, सॉरी वॉल्यूम के डिफरेंस के, इसमें भी वैसे ही निशान लगे होते हैं। साइड में कैविटी होती है, ये डिप्रेशन होते हैं जिसमें एक खास वॉल्यूम जो दिया गया वैसे यहाँ पे वो आप ऐड करते हैं माइक्रोपिपेट की मदद से। सेकेंड उसके ऊपर उसकी जो कवर ग्लास या था उसके ऊपर वो रखते हैं, और उसके हर खाने के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर या स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर मटेरियल मौजूद होता है जो आपने इसमें डाला है काउंट करने के लिए, इसमें कितने बैक्टीरिया मौजूद है। अच्छा अब चूंकि जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप, हाँ ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत ही हाई पावर के ऊपर आपको माइक्रोस्कोप में इसको रख के देखना पड़ेगा। आप जानते हैं इस बात से वाकिफ हैं कि जब हम आम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वहां पे हम स्टेन डाल के बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं पहले से कि बैक्टीरिया को देखने के लिए स्टेन यूज करना पड़ता है, लेकिन जब ये वाला मेथड आपने करना है बैक्टीरिया को काउंट करना है तो आपने स्टेनिंग नहीं करनी है बल्कि माइक्रोस्कोप चेंज होगी, और ये माइक्रोस्कोप ऐसे जो डायरेक्ट हमारे कॉलेज लेवल के ऊपर तो अवेलेबल नहीं होती। आपको मालूम है चीज़ें इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं और फंड्स वो हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरे ख्याल में ये दो तीन चीज़ें इंटरडेट हो गई हैं इसी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। लैब्स के लिए फंड्स ना होने के बावजूद होते हैं लाइब्रेरीज को, मुझे याद है पिछले मेरा ताल्लुक 40 साल से कॉलेज के साथ है, जो हर साल लाइब्रेरी के लिए फंड जरूर आते हैं, लाइब्रेरी में किताबों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब से चंद साल पहले किसी ने विजिट किया, मैं नाम नहीं ले रहा जी कौन सी हस्ती, उन्होंने बाकायदा कहा जी जरा मुझे प्रोफेसर जो किताब में शुक्र आते हैं वो रजिस्टर दिखाएं। तो इल्ला माशाल्लाह कॉलेज के 100 में से 70% प्रोफेसर थे जिनके नाम पर कोई किताब इशू ही नहीं थी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी से कभी कोई किताब निकलवाते ही नहीं। एक और फिर उसके बाद उन्होंने जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट थे उनकी जो है हाजिरा उनका शुरू है वहाँ पे उनकी किताबें शुरू हुई, तो उसमें ज़्यादातर नॉवल्स और इस तरह की चीज़ें थी जो उन्होंने शुरू आई हैं। तो स्टडी रिलेटेड किसी के नाम पे शाहज नादरी को मौजूद, इससे अंदर कर लीजिए कि लाइब्रेरियाँ बनाने का कितना फ़ायदा है। पाकिस्तान की बात हो रही है जी, ये था जी स्टडी के हवाले से। बहर बात मैंने जो करना चाह रहा था वो कर दी है कि लैब में जहाँ पे काम होना है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत कॉस्टली होती है। पर ये माइक्रोस्कोप का नाम है जी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसकी खासियत यह है कि 1000 से 2000 के बीच मैग्नीफिकेशन विदाउट स्टेरिंग, इसमें हम विदाउट स्टेरिंग चीज़ों को देख सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसने जो फिगर दी हुई है उसको चेक कर लीजिए, जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर टोटल जो एरिया वो 1/400 स्क्वायर मिलीमीटर होता है, उसके अंदर जो वॉल्यूम आता है वो 1/20,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। सस्पेंशन जो बैक्टीरिया का है वो आपने माइक्रोफ्लूइड्स में ऐड कर दिया और फिर उसको मास्टर बना के देखा। अगर फर्ज कीजिए जो वर्डिंग है इसकी 5 बैक्टीरिया मौजूद हैं हर खाने के अंदर जो नज़र आ रहा है आपको, तो उसका मतलब है वो जो टोटल वॉल्यूम था स्क्वेयर सेंटीमीटर में दिया गया था उसके मुताबिक उसमें निकलाएगा कि टोटल जो गिवन सैंपल है उसमें कितने बैक्टीरिया। लेकिन जैसे पहले कह चुका हूँ कि कॉलेज में ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन बहरहाल इससे स्टडी किया जा सकता है कि किस वक्त गिवन सैंपल में कितने बैक्टीरिया मौजूद। या देखिए उसको जो गिवन वॉल्यूम बनाते हैं ना उसको जब डाइल्यूट करते हैं वो ऐसे ही किया गया होता है ताकि छोटे पैमाने पर थोड़ी सी सैंपल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को देखा जा सके। अब जो सेकंड मेथड है ये उससे भी ज़्यादा महंगा है, ये तो अलमन शायद ही कहीं पर हो, हमारे पास लाहौर में उसी के साथ अटैच था पहले, तो अब मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि वो क्योंकि उनकी बिल्डिंग तो बिल्कुल सेपरेट है कैम और CAMB, पहले CAM के नाम से था बाद में CAMB के नाम से बाद में चल रहा है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन मोलेकुलर बायोलॉजी के नाम से इदारा। ये पहले पंजाब स्टेट वर्ल्ड डिपार्टमेंट के साथ होता था, डॉक्टर शकूरी इसके को इंचार्ज थे, बाद में
ये सियासत की नजर हो गया और ऐसे लोग इसके इंचार्ज बन गए जिनका बायोलॉजी से कतन कोई ताल्लुक नहीं था। पर अब क्या सूरत हाल है, अब मुझे नहीं लगता चूंकि काफी अर्से से मेरा से कोई रब्ता नहीं है। पर उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स थे, बहुत से पैसे थे, वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद थी और बहुत काम हुआ भी है वहाँ पर। बाकी कुछ जो कुछ होता है हर जगह वहाँ भी होता रहा। पर उनके पास तो पॉसिबिलिटी है कि मौजूद होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, खासे महंगे होते हैं। तस्वीर देखी हुई है, तस्वीर दिखाइए अहवाल में है जो गिवन सैंपल के अंदर उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें कितने जो है बैक्टीरिया मौजूद है। ये हमारे पास तो कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला हेडिंग ये है जो हम इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको देखिए आप फिर आगे जाएगा। मैंने आपको सीरियल डायरेक्शन सेमेस्टर 7 में एक्सप्लेन कर दी थी, एग्जैक्टली सेम ये वही तस्वीर है जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इसको गौर से देखिए और अपने माइक ऑफ रखेंगे नुमा। तस्वीर है जो आपने देखनी है 7.10, फिगर का नंबर है 7.10, प्लेट काउंट टेक्निक। अब इसने यहाँ सिर्फ प्लेट काउंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए जब आप इसको पूरे को गौर से देखेंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा जो सीरियल डायलेशन मेथड एक्सप्लेन हुआ है वो इसके अंदर नजर आएगा। ऊपर से नीचे आते जाए, इसने सबसे पहले वो पेपर से सैंपल लिया है, उसको इसने डाला है जहाँ भी, उसमें से अब नीचे तीन चीज़ें बनेंगी। पहले में लिखा हुआ है 1/100, उसमें लिखा 1/10,000 और ऐसे ही तीसरे वाले में गलत ये 1/1,000,000 का डायलेशन। ये डायलेशन ऐसे हैं कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें से 1 ml 99 ml पानी में डाल दिया, टोटल 100 हो गया, ये 1/100 डायलेशन हो गया आपकी पहला जो आपकी नज़र आ रही है इसके नीचे पहले पेड़। अब उसमें से 1 ml लिया, उसको फिर 99 ml में डाल दिया। अब 1/100 × 1/100 ये सूरत हाल आपके सामने आ गई है, ये 10 साल गुना डायल्यूट हो चुका हुआ डायलेशन। और उसमें से फिर 1 ml लिया, उसको एक बार फिर 99 ml डालता है तो वो 10,000 × 1/100 हो गई जो लास्ट होती है। अब हर एक में से पहले वाले में से आपने कुछ मटेरियल लिया है, गिवन मटेरियल स्पेसिफिक अमाउंट में, पहले पैडिश में, दूसरी में, तीसरी में, हर एक के अंदर ज़्यादा अपने एग्रीबिटी पे डालना है। उनको जो टेक्निक होती है ग्रो करने की बैक्टीरिया को पैडिश को इन्वर्ट करके इनक्यूबेटर में रख देते हैं, जब ग्रोथ होगी 24 घंटे बाद। अब नीचे तीनों उसने कॉलोनी दिखाई है, आपने वो डायरेक्शन लेनी है जिसमें आप आसानी के साथ काउंटिंग कर सकते हैं। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो आखिरी वाली में, अगर बैक्टीरिया कम हैं तो पहली वाली में, अगर दरमियाने हैं तो दरमियान वाली में, क्योंकि तीनों में से कोई भी प्लेट या मुनासिब रिजल्ट दे सकती है। और जो वर्डिंग है जिसमें 30 से लेकर 300 तक कॉलोनीस हों उसको काउंट करें। याद रखिए कि हाँ, इसमें एक पॉइंट जो बहुत स्पेसिफिक है, जब आपने मीडियम वाली पैडिश के ऊपर उसको डालना है इनोकुलम को अपने डायलेशन में से, उसको अच्छी तरह से यूँ हिला देना है, राइट पैड पर हिला देना है, शेक कर देना है ताकि वो स्प्रेड हो जाए उसको पूरी पैडिश के ऊपर, स्प्रेड प्लेट के लिए से आवा करना पड़ने से। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि आपने उसको बहुत डायल्यूट कर दिया, हमने बैक्टीरिया अगर कम है सूट में तो वो दूर दूर हो जाएंगे और हर बैक्टीरियम ग्रो होना शुरू होगा तो उसे एक साल होने लग जाएगा। और आप उसमें से उस डायलेशन को लेंगे जहाँ पर मुनासिब तादाद में मिट्टियाँ मौजूद हों और उनको कौन चाहिए। ये है जो होते हैं आइटम जो आपके समय इस मैथड में दी गई है, और ये वो टेक्निक है जो पॉसिबल है, जो की जा सकती है लैब्स के अंदर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ एगर या जो मीडियम वाले आपको तैयार कर रहे हैं वो और माइक्रोस्कोप जैसे पॉसिबल कहते हैं ये रिक्वायर्ड हो और कुछ टाइम चाहिए होता है। और ये है जी आइटम अबाउट किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं बैक्टीरिया के प्रभाव। हमारा अगला हेडिंग मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। मेम्ब्रेन फिल्टर से आपकी सब तक वाकिफ है कोई बताना चाहता हूँ, लो वाटर मेम्ब्रेन फिल्टर इसकी कोई खास अहमियत जो नल का कसर है वैसे याद रखिए। सही है, हमने फिजिकल
जिसमें पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्टर सेलुलोज से बने हुए होते हैं, सेलुलोज एसिड उसको इनको हम डिफरेंट पोरोसिटीज के अंदर ये डिफरेंट कॉम्पैक्टनेस और डिफरेंट थिकनेसेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो फिर इनको हम यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। जी अच्छा, क्या जवाब जो अक्सर ने पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रखा है, ठीक याद रखा है जी, और दुरुस्त जवाब दिया है। और कोई जवाब जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। के अलावा जी उस्मान सर, मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो उनसे आरओ फिल्टर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी यूज होते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। जी और कोई जी, और क्या आंसर? चलिए जी ठीक है, मैं जो देखना चाह रहा था वो देख लिया, पर जो पढ़ा हुआ था उसके हवाले से अच्छा जवाब दुरुस्त है, लेकिन जो जी हाँ नहीं आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा अक्सर दोबारा बताइए क्या था, आपने आवाज क्लियर नहीं है। मैंने कहा कि जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो जो बैक्टीरिया ना वो इसके ऊपर मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, फिर उनको वहां से जो है वो पिक करके आई थिंक काउंट कर लिया जाता है। आपने तो जो उतना शुरू कर दिया है जो आप बुक लिखा हुआ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब उसने दिया। मैंने कहा था कि जनरल नॉलेज का मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन आप लोग मेरे सवाल का जवाब भी नहीं आया था, जो मेरा सवाल है आप सवाल को समझने में कामयाब नहीं होते, मैंने जो नाज के लिहाज से पूछा था। चलिए अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब मेरी तरफ से, मैंने कहा था कि जनरल नॉलेज आजकल पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में एक ही चीज छाई हुई है, और वो क्या है? मास्क, कोरोना। हाँ जी कोरोना, और उसके साथ है मास्क। आपने बहुत से मुख्य मास्क का नाम सुना होगा, याद रखिये कि एक आम बंदे के जो मास्क है वो सर्जिकल मास्क कहलाते हैं, ये हमारे यहाँ ग्रीन कलर में अवेलेबल है, सब्ज रंग का मास्क होता है और उसमें जो स्पेसिफिक मटेरियल लगा हुआ है वो फिल्टर कर लेता है बैक्टीरिया को, बहुत से बैक्टीरिया आ रहे हैं, बैक्टीरिया या अदर जर्म्स, ये उनको फिल्टर कर देता है उसमें। बहुत गौर से अगर आपने देखा हो तो एक साइड पे ग्रीन एक साइड पे वाइट। अब वो नेट पे किसी बेवकूफ़ बंदे ने एक वीडियो बना के डाउनलोड कर दी, उसने कहा कि जी कि अगर आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उसने ये सवाल किया कि जो वाइट वाली साइड होती है नेट की वीडियो देखिए, उसमें उसने ये कहा था कि जो वाइट वाली साइड है इस पर केमिकल लगे हुए हैं जो जरासीम को मारने के लिए होते हैं, चाहे अगर आप जरासीम से बचना चाहते हैं तो जो वाइट वाला पोर्शन है वो बाहर रखें और ग्रीन वाला अंदर रखें, और इसका अपोजिट के अगर आप खुद बीमार हैं और दूसरों को बचाना चाह रहे हैं तो वाइट अंदर रखें और ग्रीन वाला बाहर। ये इंतहाई अहम काना वीडियो थी, और वो जिस बंदे ने पेश की है वो डॉक्टर ना डॉक्टर है ना उसका उनके साथ कोई ताल्लुक है किसी का, जो भी याद रखें कि वो जो मास्क है ये सर्जिकल मास्क, क्योंकि जमाना के बहुत अरसे से इस्तेमाल होते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। मास्क में जो लेयर्स लगी हुई हैं उनका स्पेसिफिक पोर साइज होता है, और वो मोस्ट बैक्टीरिया को 95% बैक्टीरिया को ये फिल्टर आउट कर लेते हैं, और बड़े साइज के बैक्टीरिया वर्स को भी फिल्टर कर सकते हैं, जबकि जो N95 मास्क होते हैं वो खासा कॉस्टली है और उसका पोर साइज बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा हद तक तकरीबन कम बच तमाम चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है, लेकिन वो एक आम बंदे को सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नुकसानदेह साबित हो सकता है उसका एक आम बंदे को, या अगर कोई पेशेंट उसको पहन ले तो पेशेंट के भी नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के पेशेंट में भी सपोर्ट पैदा हो सकती है उस वाले मास्क के पहनने से जो N95। अब जो बात मैं डिस्कस करना चाहता था वो है असल में पोर साइज। ये जो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स हैं, अब वो चेहरे पे लगाने वाला मास्क क्यों नहीं है, उसका पोर साइज वेरी करता, ये असल पॉइंट जो साहब मैंने कहा ये वाला था, और जो बाकी जो आप था अक्सर का दुरुस्त है कि मुख्तलिफ साइज के फिल्टर अवेलेबल होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, जिनके वजह से मुख्तलिफ साइज के बैक्टीरिया को फिल्टर आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है कि आप गिवन सैंपल जिसका आप अंदाज़ा है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं उनके लिहाज से साइज यूज़ कर सकते हैं। फर्ज के लिए आप एयर में से बैक्टीरिया को फिल्टर करना चाह रहे हैं, एयर में कौन से बैक्टीरिया हैं, तो आप ज़ाहिर है कि पहले जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले कोई जनरल किस्म का आम इस्तेमाल होने फिल्टर यूज़ करेंगे जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया को उसमें से फिल्टर आउट कर ले, फिर उसको स्पेसिफिक सस्टेंड मीडियम में रखेंगे, ग्रो करेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे उसमें कौन से बैक्टीरिया आए हैं और कितने बैक्टीरिया आए हैं, ऐसे ही पानी को फिल्टर करके या अदर चीज़ों को फिल्टर करके चेक किया जा सकता है। मैं ये था कि किस तरीके से हम
फिल्ट्रेशन के स्मॉल फिल्टर के स्मॉल फिल्टर बैक्टीरिया को, उसका जो बाकी प्रोसेस है वो आगे सेम है सिंगल, उसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें पेज 1-8 के ऊपर इसमें फिल्ट्रेशन अपडेट्स भी दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी डायग्राम तो नहीं है लेकिन बहरहाल ये ऑपरेटिस है। और उसके बाद जब उसको स्टडी करेंगे तो क्या होगा, कैसे नजर आएंगे वो भी दिखा दिया हुआ है। एक और डायग्राम है स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन दी है, फोटो इलेक्ट्रिक मीटर फॉर्मेशन, ये हमारे जो अगले टॉपिक जो आने वाले हैं उनके लिहाज से। अब उस पर मुझे एक बार फिर आपसे ही सवाल पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में, चूँकि पहले 2 साल आप केमिस्ट्री पढ़ते रहे चार मास्टर्स में, उसमें आप लोगों ने कलरी मीटर केमिस्ट्री में यूज किया हुआ कि नहीं किया हुआ? जो हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि बिजार तो उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ जैसे आप लोगों ने कहा, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी टॉपिक को जल्द जल्द मुकम्मल किया जाए। टाइम पास से ज़्यादा हमारा चलता जा रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम भी मौजूद हैं सिलेबस के कवर होने के लिहाज जी। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है जो नज़र हमें वो है जी टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड। टर्बिडिटी को मैंने कल जो पीछे जिक्र आया था उसके लिहाज से बयान कर दिया था। आपने जहाँ पे ग्रो किया हुआ है बैक्टीरिया को, अगर ब्रॉथ के अंदर आप ग्रो कर रहे हैं या आपने सैंपल ही ऐसा लिया क्योंकि आपने वाटर सैंपल लिया होगा कहीं ये चेक करने के लिए कि इसमें कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, या कोई लिक्विड फूड है जिसको आप खाते हैं, या इवन अगर सॉलिड फूड हो उसको भी लिक्विड में कन्वर्ट करके अगर उसमें मौजूद हैं बैक्टीरिया तो उनको भी इस तरीके से चेक किया जाता है, काउंट किया जा सकता है। अब रीज़न इसका जो असूल है बेसिक असूल हर जगह पर सेम ही होता है, अगर आपके गिवन सॉल्यूशन में कोई चीज ज़्यादा मकदार में मौजूद है और लाने के पार्टिकल्स हैं किसी खास साइज के तो वो सॉल्यूशन गदला नजर आएगा। मैंने उर्दू करके इस्तेमाल किया टर्बिट का तर्जमा जो किया है, और अगर कम मकदार में है तो वो लेस टर्बिट हो जाएगा। अगर हम उसमें से जस्ट हम एक टेस्ट ट्यूब को जिसमें कुछ से मौजूद हैं जस्ट स्ट्रॉन्ग रोशनी में देखें तो वहाँ भी हमें नज़र आ जाता है कि ये साफ है पानी इसके अंदर या इसमें कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं। और अगर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एडवांस कंट्रीज बनाने के बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और यूज भी की जाती है तो चल जाता है पता चल जाता है कि क्या और क्या सुख हाल है और उसमें कितना बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। और ये मेजरमेंट इन डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। और लेकिन एक और चीज़ जो कि इससे रिलेटेड है और ये भी आप जोलॉजी के डिस्कस में पढ़ चुके हैं और मे भी शामिल हो सकते हैं। अब लोगों ने स्टैंडर्ड कर ड्रा की हुई है, आई एम श्योर याद होगी सबको बायोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड कर मतलब चीज़ों के लिहाज से प्रोटीन या किसी और केमिकल के हवाले से किए या नहीं किए, बॉडी में भी था शामिल के लिए था पार्टिकल उसके क्लोरोफिल को मेल करना चाह रहे हैं उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास नहीं है पहले से? आप गोल करेंगे तो मैं बगैर गोल के आपका सवाल क्लियर नहीं है। सिग्नल ड्रॉप मैंने ये पूछा है कि आपका जूलॉजी में बॉडी में केमिस्ट्री में किसी भी जगह पे आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में किया हुआ होगा कोई स्टैंडर्ड कर मिसाल के तौर पर बनाया हुआ कि नहीं बनाया? सर शायद किया हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। चलिए शायद वाली बात, हाँ जी बिल्कुल शायद वाली बात आ गई है तो इसका मतलब यह खासा पुराना हो चुका है। चलें पहले जिस तरीके से स्टैंड कर बना सकते ऐसे ही अगर आपको जो गिवन मटेरियल दिया गया हुआ है उसमें से आप 2-3-4 के डायरेक्शन कर लें और उसको ड्रॉ कर लें तो एक स्टैंडर्ड कर्व बन सकती है। अगर आपके पास नॉन कंसंट्रेशन वाला
एक ऐसा मटेरियल आपके पास मौजूद है जिसको आपने फर्स्ट के प्लेटफॉर्म मेथड हमारे लिए पढ़ चुके हैं प्लेटफॉर्म मेथड, उसे आप चेक कर लें कि अगर इतने हों तो ये सॉल्यूशन ये वाला है। उसके बाद आपने जिस सॉल्यूशन की डेरिवेटिव मेजर की है उसको उस ट्रेंड कर्व से मैच कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि मैच करके अंदाजा लगा दिया जाए कि इसमें अंदाजन कितने मटेरियल हैं और ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टैंड कर वाले मैथड से भी बनता है कि इसको किया जाना पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बहुत से मैथड अवेलेबल हैं, आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हुई है, ऐसा ही क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? केमिस्ट्री में किया था, बॉटनी में, जूलॉजी में, किसमें किया था? सर केमिस्ट्री में किया था, लेकिन एक दफा मेरे ख्याल से बॉटनी में भी इसकी जरूरत थी लेकिन हमें मिला नहीं था। ये सेमेस्टर 5 के अंदर हमने प्रैक्टिकल किए थे बायोकेमिस्ट्री के एस्टीमेशन कर्व्स, उनमें हमने यूज किया था। केमिस्ट्री वालों ने पाया ये सवाल आपको पहले 4 क्लास में? वो सेमेस्टर 2 में किया था आई थिंक, वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन हमने उधर यूज किया था इसे। रखें कि बेसिक असूल जो अपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पढ़ा हुआ है वही वाला ही, और वो इसी तरीके से ही काम करता है। काम जी ये जस्ट अ मिनट, ये दो मिनट का गैप आपको दे रहा हूँ सर। आप क्या कर रहे थे? उस्मान कह रहा था कुछ, कौन कह रहा था सर? ये केमिस्ट्री के अंदर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ किए थे। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया सही। जो मैं ही देखना चाहता था आपने यूज किया हुआ कि नहीं किया हुआ। अब असूल ये होता है कि जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें उतनी एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है बॉटनी के अंदर, ये भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा। और अगर जितना ज्यादा वो सॉल्यूशन कंसेंट्रेट होगा उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो उसको मेजर करने के बाद क्वांटिटेटिव डायल की शक्ल में या डिजिटल अगर है तो नंबर की शक्ल में बताता है कि इसकी क्या एब्जॉर्प्शन कितनी की है, किस चीज़ को या किस वेवलेंथ की लाइट को कितना इसने एब्जॉर्ब किया। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और कम वेज यही यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा टेम्परेट है तो उसका मतलब होगा उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा है, कम टेम्परेचर का बैक्टीरिया कम है, और ये पॉसिबल है कि उसको एग्जैक्ट क्वान्टिफाई भी किया जा सके। ये था जी वो मैथड जो कि उससे रिलेटेड है जो आप आगे किसी और जगह पे किसी और एक्सरसाइज से कर चुके हैं। हमारा अगला हेडिंग जिससे मैं डिटरमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, याद रखिए जो नाइट्रोजन कंटेंट को मेजर करना है। अब आगे से भी बहुत से मैथड्स हैं, बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं। बैक्टीरिया गिवन मास लिया गया उसको क्रश करें, और केमिस्ट्री में जहाँ तक याद है मुझे पहले 4 सालों में, चूँकि जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उसमें किसी भी गिवन जो सैंपल है उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, उसको मुहैया करने के बहुत से मेथड थे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो जरूर पढ़े होंगे। अगर मैंने पढ़े हुए मैं बात कर रहा हूँ 35 ईयर्स वो वाले 35 से 40 ईयर्स, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं जी, सही है कि नहीं है? बंद हो जाते हैं जी सर। सर हमने पढ़े हैं लेकिन परफॉर्म नहीं थे किए। हाँ परफॉर्मेंस और चीज है, परफॉर्मेंस क्योंकि प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स का होना जरूरी होता है, कम से कम प्रैक्टिकल बैकग्राउंड आपके सामने होना चाहिए, पता हो कि ये चीज कौन सी है कैसे होती है। बहरहाल गिवन बैक्टीरिया उनको लेके क्रश कर लें और उसमें से किसी भी प्रोटीन को निकाल लेते हैं, प्रोटीन एसिड कैसे होगी एक लगा मसला है, ये भी आपको बेसिक्स पढ़ी होंगे बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद उसमें जो मेथड्स हैं बायोकेमिकल एनालिसिस वाले उसके मदद से चेक करें कि उसमें नाइट्रोजन कितनी मिलवार में मौजूद है, और अगर आपने प्रोटीन निकाली है तो ज़ाहिर प्रोटीन से अंदाजा हो जाता है कि बैक्टीरिया अपना। और इवन अगर आप ये चूँकि नाइट्रोजन के हवाले से इसने दिया हुआ है, आप टोटल मास भी ले सकते हैं, टोटल मास फ्रेश मास कितना है, आप उसको डिहाइड्रेट करके उसका ड्राइवेट मैस भी ले सकते हैं। बहुत से मेथड मौजूद हैं जिसकी मदद से अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी मिलता है मौजूद। बस ये अब मैं भी बोल के थक चुका हूँ और टाइम क्योंकि भी ख़त्म हो रहा है, इक्विपमेंट बाकी रह गए हैं, ये अगर बस मैं स्टॉप कर रहा हूँ।
just only 1 minute okay aadha minute baki rahe gaya ye attendance ne mark kar di hai is waqt 25 student nazar aa rahe hain mujhe 25 student 35 mein se 10 student absent hain ye amna सब वगैरह ये चेक करके मुझे बताना है इसको कौन से बच्चे ऑप्शन है बस ये आपको मुझे सेंड कर दीजिए सेंड कर दीजिए लिस्ट ऐसी हो जो पड़ी जा रही है जरा थोड़ा सा डार्क कर करें